दोस्तों, राजधानी पटना में ट्रैफिक को और भी बेहतर करने के लिए मेट्रो बनाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि पटना मेट्रो बनाने की प्रक्रिया करीब करीब 2011 में शुरू किया गया था, जहां पर जिसके बाद बिहार सरकार ने 2013 में MOU साइन करके पटना मेट्रो का काम आगे बढ़ाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला 17 फरवरी 2019 को रखी और इसका काम दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को दे दिया गया। लेकिन बहुत ऑडियंस का यह सवाल है कि आखिर इस पटना मेट्रो का काम कहां तक पहुंचा है, तो बिहार के तरक्की और बिहार के बारे में पॉजिटिव न्यूज को देखने वाले लोगों के लिए पटना न्यूज लेकर आया है इसी का शानदार लाइव अपडेट। तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज। दोस्तों, जैसे ही हम पटना मेट्रो के लाइव लोकेशन जियो माइल के पास पहुंचे तो हमें देखने के लिए मिला कि इसका काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और हमें कुछ पिलर बने हुए दिखे। चारों तरफ पटना मेट्रो के बोर्ड लगे हुए दिखे, जहां पर काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा था। कई जगह पर हमें पूरी की पूरी पिलर खड़ी हुई भी दिखी। तो चलिए इसके लाइव लोकेशन पे चलते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ पटना मेट्रो के लोकेशन पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पटना मेट्रो का लोकेशन है। आप शायद विजुअल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पिलर जो है वो खड़ा हो चुका है। इसका मतलब कि पटना मेट्रो का काम जो है वो अपने जमीनी स्तर पे आ चुका है। ब्लॉगर ऑन द रोड और इनका अगर आपको देखना हो ड्रोन व्यू, रियली इट इज़ अमेजिंग। और मेरे साथ है डीपी ब्लॉगर, इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इनका भी। और मैं अब सीधा चलता हूँ इसकी कुछ कोर अपडेट की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा कर लिया जाना है और काम देखकर यह साफ तो पता नहीं लगता है कि 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। हालांकि जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये है शानदार मेट्रो, पटना मेट्रो का लोकेशन और हम चलते हैं अपने भाई के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने। अगला वीडियो बहुत ही शानदार आने वाले, तो मेरे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।